हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए टू जेड ऑनलाइन एजुकेशन। लास्ट वीडियो में हमने सर्किट एलिमेंट्स के बारे में देखा, उसमें हमने पहले दो कंपोनेंट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब ये वीडियो में हम कैपेसिटेंस के बारे में देखेंगे और सेकंड पार्ट में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ RLC कंपोनेंट्स भी देखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिए और कोई पार्ट मिस ना हो इसलिए आप स्किप मत करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन इट। मतलब एक एलिमेंट की कैपेसिटी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है। दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वो एक एलिमेंट में स्टोर किए जाते हैं, उसको हम वो प्रॉपर्टी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। अ कैपेसिटर स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग एस्टैब्लिश्ड बाय द टू पोलैरिटीज ऑफ चार्जेस ऑन द टू प्लेट्स और इलेक्ट्रोड्स ऑफ द कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो दो प्लेट्स के बीच में स्टोर की जाती है कैपेसिटर के। एलिमेंट विच हैज़ ए कैपेसिटेंस इज कॉल्ड कैपेसिटर। अब उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। क्यू को चार्ज बोलेंगे और वी को वोल्ट बोलेंगे। सी इक्वल टू क्यू बाई वी और उसका करंट रिलेशन है आई इक्वल टू सी इंटू डीवी बाई डीटी। अब कैपेसिटर की प्रॉपर्टी देखते हैं। इट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट्स। मतलब जो दो प्लेट्स होती है कैपेसिटर की, उसके एरिया को ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और दो प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इट डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। सो सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। सो सी इक्वल टू इप्सिलॉन ए बाय डी। तो इप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स। उसका कैपेसिटेंस का पावर पी इक्वल टू वी आई, मतलब वोल्टेज इंटू करंट। तो करंट का एक्सप्रेशन हमने देखा आई इक्वल टू सी डी वी बाय डी टी। तो पावर का एक्सप्रेशन होगा पी इक्वल टू वी आई इक्वल टू वी इंटू सी डी वी बाय डी टी। और उसका एनर्जी होगा E इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वी सी वी इंटू डी वी, मतलब 1/2 सी वी स्क्वेयर। अब पार्ट टू में चलते हैं। वहाँ पे हम देखेंगे सीरीज RLC। उसमें पहला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं A और B दो पॉइंट्स के बीच में R1 और R2 दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो सीरीज में। तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉइंट ए और बी के बीच में होगा R1 + R2। और उसका जनरल एक्सप्रेशन होगा समेशन ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन द टू पॉइंट्स, मतलब R1 + R2 + up to Rn। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो सबका समेशन सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जस्ट रिवीजन है, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत अभी तो नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। पॉइंट ए और बी के बीच में R1 और R2 पैरेलली कनेक्टेड है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम 1/R eq = 1/R1 + 1/R2, मतलब समेशन ऑफ रेसिप्रोकल होता है। तो जनरल एक्सप्रेशन होगा 1/R eq = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 up to 1/Rn। इंडक्टर का भी सेम है एज ए रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन। ए और बी के बीच में दो इंडक्टेंस कनेक्टेड है L1 एंड L2।
एल इक्विवेलेंट इज एल वन प्लस एल टू और जनरल एक्सप्रेशन है एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री अप टू एल एन. पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम एज रेजिस्टेंस रजिस्टर वन अपॉन एल इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू और जनरल एक्सप्रेशन भी सेम एज आर इक्विवेलेंट का होगा वन अपॉन एल इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन एल वन प्लस वन अपॉन एल टू अप टू वन अपॉन एल एन. कैपेसिटर में तो रिवर्स है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल ऑफ समेशन होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सम ऑफ द ऑल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन टू पॉइंट्स. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का पहले देखते हैं. ए और बी के बीच में सी वन और सी टू दो कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्टेड है, दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा सी वन और सी टू, इसका समेशन. और उसका जनरल एक्सप्रेशन होगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस अप टू सी एन. अब सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं. ए और बी के बीच में सी वन और सी टू कनेक्टेड है, दोनों का इक्विवेलेंट होगा वन अपॉन सी वन इक्वल टू वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू. और उसका जनरल एक्सप्रेशन होगा वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस अप टू वन अपॉन सी एन. ये वीडियो में इतना ही. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले. अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, एलिमेंट्स और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर, और उसमें हम गेट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी देखेंगे. थैंक यू.